छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीज़न के बीजापुर जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवानों के बलिदान ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। 21 जवान लापता बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली हताहत हुए हैं। शनिवार को हुए इस हमले का मास्टरमाइंड माडवी हिडमा बताया जा रहा है। आखिर कौन है माडवी हिडमा? माडवी हिडमा की उम्र लगभग 40 वर्ष है। वह सुकमा जिले के पूर्वर्ती गांव का रहने वाला है। 90 के दशक में यह नक्सली बना था। नक्सल कमांडर माडवी हिडमा कई नामों से जाना जाता है, मसलन संतोष उर्फ इंदमूल उर्फ पोडियाम भीमा। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस समेत कई नक्सल प्रभावित राज्यों की पुलिस इस मोस्ट वांटेड नक्सली की तलाश में है। हिडमा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का प्रमुख है और ऐसे घातक हमले करने के लिए जाना जाता है। वह महिलाओं के सहित लगभग 180 से 250 माओवादियों के दस्ते का नेतृत्व करता है। माओवादी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। वह CPI की 21 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का युवा सदस्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसे माओवादियों के मिलिट्री कमीशन का चीफ भी नियुक्त किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हिडमा हमेशा छिपकर रहता है, यही कारण है कि हाल की उसकी कोई भी तस्वीर उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने उसके सिर पर 40 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। BJP विधायक भीम माडवी की हत्या के मामले में ANI ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी से जून के बीच में नक्सली टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान वह अपने खतरनाक हमलों के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। दरअसल इन दौरान पेड़ों से पत्ते गिर चुके होते हैं, ऐसे में सुरक्षा बलों की गतिविधियां नक्सलियों को दूर बैठे भी नजर आ जाती हैं। बता दें कि पहले भी कई बार नक्सलियों ने इन महीनों में TCOC ऑपरेशन किए हैं। मार्च 2020 में नक्सलियों ने सुकमा में 17 लोगों की जान ली थी। अप्रैल 2019 में BJP विधायक भीमा माडवी, उनके ड्राइवर और 3 सुरक्षा कर्मियों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था। वहीं अप्रैल 2010 में तड़मेटला में 76 जवानों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों पर घातक हमला करने के लिए माओवादियों ने लाइट मशीन गन, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और देसी रॉकेट का इस्तेमाल किया था। अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन में शामिल जवानों ने बीजापुर सुकमा सीमा पर मुठभेड़ में जो कुछ भी सामने आया था उसका ब्यौरा दिया है। बताया गया है कि करीब 400 नक्सलियों के समूह ने सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया था। CRPF के महानिदेशक DG कुलदीप सिंह जो छत्तीसगढ़ में हैं, उन्होंने 22 जवानों के बलिदान की पुष्टि की है। अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस हमले में लाइट मशीन गन का अधिक उपयोग किया गया था, जिसके कारण यह हमला ज़्यादा भयावह था। सिंह ने कहा कि फोर्स कमांडर ने मुझे बताया कि नक्सलियों ने एक LMG को कहीं छिपा दिया था। उस स्थिति से उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोलीबारी की। UBGL देसी रॉकेट इनका प्रयोग पहले से ही किया जाता रहा है, लेकिन इस बार इनका और अधिक उपयोग किया गया। इससे निपटने के लिए हमारे जवानों ने बहुत संघर्ष किया। 3 ट्रैक्टरों में नक्सली अपने मृतक और घायल साथियों को उठा ले गए। इस हमले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमले के बावजूद असम में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आलोचना हो रही है। साथ ही IPS अधिकारी नलिन प्रभात की दक्षता और उन पर मेहरबानी को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर के भी आरोप लग रहे हैं। यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सूचना तंत्र विफल रहा, जिसके कारण नक्सलियों के मूवमेंट की सही जानकारी नहीं मिल पाई, अथवा नक्सलियों द्वारा सुनियोजित तरीके से जानकारी देकर जवानों को फंसाया गया। इस खबर की जानकारी लगातार हम आपको देते रहेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।